विद्यालय एक्सप्रेस के नाम से मशहूर राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय खेवसर जो अपनी डिजाइन के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ एक तरीके से कहें तो खिलवाड़ हो रहा है। इसका कारण यह है कि विद्यालय में कुल 16 शिक्षकों की आवश्यकता है, जिसमें पीटीआई बाबू व प्रधानाचार्य शामिल है, लेकिन यहाँ पर केवल 5 शिक्षक, एक पीटीआई, एक एलडीसी बाबू तथा एक प्रिंसिपल हैं। वहीं विद्यालय में कमरों की भारी कमी है, क्योंकि 3 कमरों में खेवसर का सीबीओ ऑफिस है तथा यहाँ के विद्यार्थियों को पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ाया जाता है तथा कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 को एक ही ब्लैक बोर्ड पर कॉलम बनाकर पढ़ाया जाता है तथा यही स्थिति कक्षा 11-12 के साथ है। यहाँ पर लगातार प्रशासन को प्रिंसिपल के द्वारा अवगत करवाया गया, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। अभी शिक्षकों को लेकर के सीबीओ साहब को भी बोला गया है और जो एसडीओ हैं डॉक्टर धीरज कुमार सिंह आईएएस, उनको भी अवगत कराया गया है इस बारे में और विभाग को भी लिखा गया है। तो सर, निदेशालय स्तर पे सर, जैसे यहाँ पर एडमिशन कुल कितने हैं? 335 एडमिशन है यहाँ पे कुल। इस साल 63 का नामांकन हुआ है नया, और जो ये पढ़ाई की व्यवस्था, इतने कम शिक्षक होते हुए शिक्षक बड़ी मेहनत करते हैं और इनको फिर जैसे 1-2-3 क्लासें हैं, वो पूर्णिमा मैडम है, वो एक ही बड़ा बोर्ड मंगा रखा है तो उसमें ही सेक्शन बना करके, भाग बना करके, पहली को ये काम दिया जा रहा है, दूसरी वाले ये काम करो, पहली वालों को ये सीखना है, वो सिखाते रहते हैं। आपके छात्र, आपके विद्यालय के छात्र बाद नीम की छांव में पढ़ते हैं, तो शिक्षकों के साथ रूम की भी कमी है, तो क्या स्थिति है? रूम की भारी कमी है सर। हमारे पास यहाँ कुल 7 कमरे हैं, जिसमें से 3 कमरे सीबीओ साहब के पास हैं, उनका ऑफिस चल रहा है यहाँ पे। उनसे निवेदन किया गया कई बार हमने खाली करने के लिए, वो बोल रहे हैं जल्दी करते हैं, अभी तक नहीं हो पाया है। और हमारे पास सिर्फ 4 कमरे हैं, जिसमें से एक रूम तो लैब में रहता है, लैब के रूप में, एक ऑफिस के रूप में रहता है, तो बच्चों के लिए तो सिर्फ 2 कमरे बचते हैं पढ़ाई के लिए, बाकी सब बाहरी नीम के नीचे, पेड़ों के नीचे बैठते हैं और फिर धीरे धीरे वो चटाइयाँ आगे खिसकाते रहते हैं। इसी तरह से काम चलाया जा रहा है। जैसे 11वीं कक्षा और कक्षा 10 के लिए छात्रों की कक्षा काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, तो उनके लिए किस तरह की पढ़ाई? 10वीं के लिए हमारे पास शिक्षकों की कमी है, उसके चलते हमने ऑनलाइन जो टीचिंग है अभियान उत्कर्ष जो डॉक्टर धीरज कुमार सिंह आईएएस ने चलवाया है, उसके तहत हम पढ़ाई करवाने का प्रयास करते हैं। और बाकी की जो क्लासें हैं वो सेकेंड ग्रेड के टीचर्स लेते हैं, और जो 11वीं क्लास है, बड़ी क्लास है, उसके लिए मैं ही खुद ही क्लासेज लेता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम हवा सिंह है।